Good morning, students. This is your maths class. Today we will start chapter number 4. Aaj hum chapter number 4 start karenge and the name of the chapter is subtraction. Chapter number 3 humne kiya addition. Ab chapter number 4 hai subtraction. Addition ka sign maine aapko addition wale chapter mein bataya tha. Subtraction. Addition mein kya karte hain? Addition में क्या किया जाता है? Add किया जाता है. ये साइन है subtraction का. Subtraction में क्या किया जाता है? Minus किया जाता है. या हम कह सकते हैं कट किया जाता है. जैसे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं. सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस. मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था जब हमने सम्स किए थे कि अगर सब्ट्रैक्शन का मीन्स होता है माइनस, मतलब हमें जो डिजिट दे रखी है, जो नंबर दे रखा है, उसमें से दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, मीन्स कट करते हैं. जैसे 6 माइनस 2, आज का गिवन है आपको 6 माइनस 2. तो देखो अपने फिंगर पे लो, 1 2 3 4 5 6. 6 में से क्या कट कर दूं? 2. कितने कट करने हैं? 2. 1 2 कट कर दो तो क्या बचा आपके पास? 1 2 3 4. क्या बचा आपके पास? 4. 4 इज आंसर. एडिशन में दोनों डिजिट को, दोनों नंबर्स को ऐड किया जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में माइनस किया जाता है इस डिजिट में से इस डिजिट को. नेक्स्ट वन इज 15 माइनस 5. अब एक फिंगर पे 15 लेना पॉसिबल नहीं है, इतना लंबा काउंट करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? इसको ऊपर लिख लो वंस. तो वन अकेला है तो ओनली वंस है. ऊपर क्या लिखो? वंस टेंस. ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं. वंस में से वंस को माइनस कर दो. 5 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0. अगर मेरे पास 5 है, 1 2 3 4 5, इस 5 में से 5 को ही मैं माइनस कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 ही कट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. टेंस क्या है? 1. पर यहाँ पे टेंस नहीं है तो 1 का क्या रहेगा? सेम एज इट इज 1. मतलब 15 में से 5 अगर माइनस करो, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर इज 10. तो हमारे पास आंसर आएगा 10. नेक्स्ट वन इज 18 माइनस 7. 18 माइनस 7 तो सेम एज इट इज वंस. वंस टेंस. अब देखो जब हम देखो ये तो 6 थे, तो 6 तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं फिंगर पे, लेकिन 18 काउंट करना फिंगर पे पॉसिबल नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसीलिए मैं वंस टेंस का फॉर्मूला यूज करो. जैसे वंस में से क्या आप माइनस करोगे? वंस. 8 में से क्या माइनस करना है? 7. 8 में से क्या माइनस करना है? 7. पहले फिंगर पे 8 ले लो. 8 तो पॉसिबल है क्योंकि एक छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, पर 18 तो बहुत बड़ा हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 7 कट कर दो. 8 यहाँ तक है ना, याद रखना. 7 कट कर दो. 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तीनों यूज होते हैं. तो क्या बचा हमारे पास? 1. अगर 8 में से 7 माइनस होते तो क्या आएगा? 1. टेंस में से टेंस माइनस करो, यहाँ टेंस है पर यहाँ टेंस नहीं है, तो 1 का क्या रहेगा? सेम एज इट इज 1. 18 में से 7 माइनस करो तो क्या आता है? 11. नेक्स्ट वन इज 17 में से 2 माइनस करने हैं, तो यहाँ सेम एज इट इज लिखो वंस या वंस टेंस, क्योंकि 17 फिंगर पे काउंट करना पॉसिबल नहीं है, बट 7 काउंट करना पॉसिबल है, छोटा है ये. 7 में से 2 माइनस कर दो. 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से 2 माइनस कर दो. 1 2. तो क्या बचा आपके पास? 1 2 3 4 5. क्या बचा आपके पास? 5. और यहाँ क्या है? वंस. वंस तो माइनस हो गया, अब ये क्या है? टेंस. टेंस का क्या है आपके पास? 1. और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का 1 सेम एज इट इज. 17 में से 2 माइनस आप करोगे तो क्या आएगा? 15. ठीक है, पहले वंस और टेंस लेकर अगर करोगे तो इजिली हो जाएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी. तो हर क्वेश्चन पे वंस टेंस लिखकर ही करना. नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. इसको कहते हैं नंबर लाइन. इसको नंबर लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक लाइन है और बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं. सब्ट्रैक्ट करना है हमें. मैंने अभी आपको बताया इस डिजिट में से इस डिजिट को क्या कह रहा था? सब्ट्रैक्ट. 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है. 9 में से 5 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. तो 0 से, अगर देखो नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, 0 से 9 पे चले जाओ. ठीक है, 9 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 5. 5 स्टेप बैक आ जाओ.
वन टू थ्री फोर एंड ये फाइव, हम बैक आए ना फाइव स्टेप, ठीक है। जब आपने नाइन में से, नाइन से फाइव स्टेप बैक आए, माइनस में क्या किया जाता है, बैक, लेकिन अगर हमें प्लस करना हो तो हम आगे चलते हैं। नाइन में से फाइव स्टेप बैक आए तो जहाँ पर ये स्टॉप करेगा, देखो फाइव स्टेप बैक करने देना, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव स्टेप बैक करे तो क्या आया आंसर, फोर, क्या आया, फोर। मीन्स नाइन में से फाइव अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, फोर, और अगर हमें प्लस करना होता तो हम आगे चलते, और जब माइनस करना होता तो पीछे, ठीक है। अब ये फिंगर पे भी चेक कर लो कि आपका ये फोर सही है या नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन में से क्या माइनस कर दो, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव माइनस कर दो तो क्या बचा आपके पास, वन टू थ्री फोर, क्या बचा, फोर, यहाँ भी फोर वहाँ भी फोर, मीन्स हमारा आंसर ठीक है, हमने जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है वो हमारा सही है। नेक्स्ट वन इज 14 में से 3 माइनस करना है आपको, 14 में से क्या माइनस करना है, 3, तो पहले 14 तक जाओ, 14 सबसे लास्ट में, उसमें से 3 माइनस करो, मतलब 3 टाइम बैक आ जाओ, 1, 2 एंड ये दिस वन 3, बैक आए तो ये एरो का साइन आएगा, ठीक है। जब 14 में से 3 आप माइनस करोगे, 3 स्टेप आप बैक जाओगे तो आंसर क्या आएगा, 11। तो अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आंसर 11 आता है, कैसे करेंगे, वंस वंस टेंस, जब सिंगल डिजिट, बस एक डिजिट हो तो डायरेक्ट माइनस कर दो, लेकिन अगर डबल डिजिट हो तो वंस टेंस की हेल्प से करो तो मिस्टेक नहीं होगी। वंस में से वंस माइनस करो, 4 में से 3 माइनस करते तो क्या आएगा, वन टू थ्री फोर, फोर में से थ्री माइनस कर दो, वन टू थ्री माइनस हो गए तो क्या बचा हमारे पास, वन। टेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, टेंस का क्या है, वन, यहाँ भी इलेवन यहाँ भी इलेवन, मीन्स हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करने हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, फिल इन द सर्कल्स हमें फिल करने हैं। 7 में से अगर मैं 0 माइनस कर दूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से अगर मैं 0 माइनस करूँ, 0 तो कुछ भी नहीं है, तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। 1 में से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। किसी डिजिट, किसी नंबर में से आप 0 माइनस करोगे तो सेम वही नंबर हमारे पास बचता है, मतलब 7 में से मैंने 0 माइनस की तो मेरे पास क्या बचा, 7। 1 में से 0 माइनस करी तो मेरे पास क्या बचा, 1। सेम एज इट इज, इसको कहते हैं सम, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जो इक्वल के बाद आंसर होता है उसको कहते हैं, हाँ इन दोनों के मतलब ये हमारे एक तरफ से आंसर निकल कर आता है। फोर में उसने बोला है 0 निकालो, 4 में से क्या माइनस करूँ कि 0 आ जाए, 4 में से 4 ही माइनस करूँगी तभी 0 आएगा। देखो 1 2 3 4, 4 में से 4 ही तो माइनस करूँगी तभी तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, तभी तो 0 आएगा। वो कह रहे हैं यहाँ पर 4 आए तो 0 यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ जिसमें से 0 माइनस करके 4 आए, तो 4 ही होगा, 4 में से 0 माइनस करूँगी तो 4 ही आएगा, 4 में से 0 माइनस करूँगी। मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी नंबर में से 0 माइनस करते हो तो वो नंबर सेम आता है। अब मुझे यही नंबर सेम चाहिए, तो मतलब इसी नंबर में से 0 माइनस कर दूँ तो यही नंबर सेम आ जाएगा। 16 में से क्या माइनस करूँ 0 आ जाए, 16 में से 16 ही माइनस कर दूँ अगर मैं तो क्या आ जाएगा, 0। 16 में से 16 ही माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब जो नंबर हमारे पास हम उसमें से 0 माइनस कर दो सेम वही नंबर आ जाता है। और मुझे 0 चाहिए तो 4 में से क्या माइनस करूँ 0 आ जाए, 4 में से अगर मैं 4 ही माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 0। मुझे यहाँ 4 चाहिए तो यहाँ पे क्या माइनस करूँ 0 में से कि 4 आ जाए,
फोर में से जीरो माइनस करूंगी तो वही नंबर तो आ जाएगा। मैंने आपको अभी यही बताया कि अगर किसी नंबर में से जीरो माइनस करते हो तो वही नंबर सेम आ जाता है। तो मुझे यही नंबर सेम चाहिए, तो इसी नंबर में से जीरो माइनस कर दो, यही नंबर सेम आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।